हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापू रोमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ सेल। टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं, राइट? वो सारे वीडियोज आपने अभी तक आई होप देख चुके होंगे। नाउ अब ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब आप सोचोगे मैम हमने तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले भी पढ़ा है, राइट? इसके पहले वाले वीडियो में आपने समझा है। बच्चों जो ये वाला मेजरमेंट है ना, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है बात करते हैं। इसमें आप बेसिकली जो बात करोगे ना वो इसकी करोगे, SHEC। ओके, कोई बॉय वॉय तो नहीं है जो खुश हो गया होगा? अरे यार अब आएगा ना मजा वीडियो। हम लोग वाला टॉपिक आ गया, हम लोग को आज थोड़ा गर्ल्स लड़कियों से रिलेटेड टॉपिक है। नहीं, शी इन द सेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो जिस पे आएगा वो इंपॉर्टेंट भी है काफी, तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ना है आज हमको, ठीक है? तो इसीलिए इसको हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो, बेसिकली ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा आपको ट्रिकी या बहुत टफ नहीं दिखने वाला है, ठीक है? जो बेसिक आपने पढ़ा है अभी तक और जो आप पढ़ोगे उसके बीच में एक छोटी सी चीज जैसे होता है ना, जानना जरूरी है यार, तो ये वैसा वाला वीडियो है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेल। टिल नाउ हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी ना कि दो इलेक्ट्रोड हम लोग ले रहे थे। देखो, एक साइड हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो रही थी, एक साइड हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल थी, राइट? तो ओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उन दोनों के बीच में चेक कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे थे, डैनियल सेल बना दिया था ZnCu से मिला के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी थी स्पॉन्टेनियस मेथड से। ये सब बातें याद है ना। यहां पे बेसिकली क्या होगा बच्चों, जैसे हम लोग दो सेल ले रहे थे ना हाफ सेल, यहाँ पे एक लेनी होती है, ठीक है? जो दूसरी हाफ सेल होगी वो आपकी कौन सी वाली होगी, SHE वाली, जिसमें हाइड्रोजन वाली होगी। वो बेसिकली क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को पता चल जाएगा, मिल जाएगा। आज बस ये जानना है अगर इनकेस एक सेल को हमने उठाया तो दूसरे के साथ हम मेजर कर रहे हैं तो किस तरीके से काम होगा, ठीक है? ओके, तो क्या बोला हमने, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ठीक है? उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड मतलब समझ के हो ना भाई, प्रेशर जो है वो 1 atm ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन 1 mole ले लेंगे एंड टेम्परेचर 25 degree, दैट इज 298 kelvin ले लेंगे, ठीक है? नाउ द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल, ये सब बेसिक बात जान लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें टफ नहीं लगे आपको। द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल बना रहा होगा ऑफ द सेल इज अलॉटेड टू बी नेगेटिव वैल्यू। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव रॉड वाला साइड ऑफ द सेल, उसको क्या बोल देंगे, अलॉटेड टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि उसकी ई की वैल्यू कैसे ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू उसको दे दी जाएगी, ठीक है? ओके, नाउ वेयर इज द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको कैसे दे दी जाएगी, अलॉटेड टू बी द गिवन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके ई नॉट या ई को कैसी वैल्यू दे दी जाएगी। ई और ई नॉट में तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे अभी तक भाई, ई मतलब नॉर्मल जो भी पोटेंशियल है, ई नॉट मतलब जो उसके स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है? तो यही बात यहां पे बोल रहे हैं, अगर बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उसके नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड, एनोड, वॉट एवर इट इज, ठीक है? ये बात समझ गए होंगे आप। नाउ The potential difference developed between the two terminals is measured using a potentiometer, as we have already discussed in our previous videos. जो बीच में potentiometer लगाते थे ना potential difference measure करने के लिए, है ना? यही तो कर रहे थे, potentiometer लगाते थे, potential difference देखते थे किसका कितना ज्यादा कम and so on, तो बस potentiometer से measure कर रहे थे। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज विजिबल ना? ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारा क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको 10th क्लास से भी पता होगा कि गैल्वेनोमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, इलेक्ट्रिक करंट के इन द सेंस फ्लो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, ठीक है? एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वेनोमीटर भी हमने लगाया था। मेरे पास आई गेस इमेज यहाँ पे होगी नहीं, ओके जस्ट अ सेकेंड।
ओके यहाँ पे खैर ये वाली इमेज है, इसमें समझ लो वोल्ट मीटर देखो लगा है, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है ना, वो वाला पहला वाला जो आपने वीडियो बनाया है मैंने उस पे है, ठीक है। तो ये सब बातें आप समझ गए कि पोटेंशियोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव वैल्यू दे दी इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव वैल्यू दे दी इलेक्ट्रोड को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दिस इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। भाई सीधी सी बात है, हमने पॉजिटिव वैल्यू जिसको दी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसको नेगेटिव दी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, या उल्टा बोल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव दे देंगे, एक ही बात हुई, ठीक है। ऑफ द सेटअप एज द करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये बात भी भाई वहीं पे बताई थी हमने आपको, कुछ इस तरीके से सेटअप था ना हमारा, एक ये था ओके कुछ ज्यादा ही ओके ये था यहाँ पे और एक ये था, तो क्या हो रहा था यार, यहाँ पे हमारी एक रॉड थी, नेक्स्ट कलर दूसरा कलर यूज कर लूँ, ये वाली रॉड लेते हैं, चलो ये वाली रॉड थी हमारी जिंक की और यहां पे हमारी रॉड थी कॉपर की, कुछ इस तरीके से हुआ था, यहां पे था आपका कॉपर जिंक सॉल्यूशन और यहां पे था कॉपर सॉल्यूशन, ये था आपका कॉपर सॉल्यूशन, ये था जिंक सॉल्यूशन, ये थी जिंक की रॉड, ये थी कॉपर की रॉड, ये सब काम तो हमने किया था। अब यहाँ पे क्या किया था, यहां से इसको कुछ इस तरीके से यहां से कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे सब कुछ था और ये ऐसे कनेक्टेड थी, राइट। यूट्यूब लगाई हुई थी यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ था, इन सबसे क्या मतलब नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता, बल्ब भी लगा दिया था हमने, एक ग्लो करवाया था, लाइक क्राफ्ट देखिए आप मेरा, लाइक बल्ब पे ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रगल अ काइंड ऑफ स्ट्रगल, अ काइंड ऑफ होता नहीं है यार, आर्ट टैलेंट। चलो तो ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें समझ गए होगे। आगे क्या हुआ, आगे कुछ इस तरीके से हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मैम यहाँ से यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, वहां पे हो रहा था रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन होता है मैम वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी ऑल नो, ऑल मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा एकदम तेज वाला इंसान था, Zn2+ को नीचे भेजता जा रहा था और खुद इलेक्ट्रॉन्स लेता जा रहा था, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स मैम फ्लो कर रहे थे कुछ इस डायरेक्शन में, यहां गए थे, यहां गए थे और फिर यहां से आते आते यहां आ गए थे और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। अब कॉपर ने मैम यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर के भी आयंस थे मैम, इन कॉपर ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाके वहां पे चिपक गए, है ना। इससे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने गेन कर लिया। तो यहां पे हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन जिंक का और यहां पे हो रहा था रिडक्शन किसका, कॉपर का, ठीक है। बच्चों याद रखना आप ये बात भाई, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है जिसका, वो सबसे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर यहां पे मैं बोल रही हूं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, मैम जिंक इज अ, इससे ये मतलब हुआ मैम कि जिंक इज अ, इट इज अ गुड या इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Why? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका मैम अगर यहाँ पे कॉपर, कॉपर मैम अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि कॉपर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद कैसे करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव ऑलरेडी लर्न, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सोचो मतलब एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कितना चालू इंसान है भाई, खुद तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं ऑक्सीडाइज हो रही हूं तो मैं दूसरे को रिड्यूस करके ही तो ऑक्सीडाइज होंगी, तो मैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करूंगी, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सब बातें आपको टर्म्स याद रखने, आगे चलकर आपको रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह जब समझाएंगे ना तो आपको मतलब क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट बोर्ड में, डायरेक्ट क्वेश्चन पता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बच्चे गलती कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेते हैं। उल्टा उल्टा याद रखना, ठीक है, क्रिस क्रॉस याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ गए ना, क्यों, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके रिडक्शन कर रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हाँ, ये हमारी कहानी हो गई थी। फिर उसके बाद मैम हमको बहुत अच्छे से पता था यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा होगा। तो यही बात यहाँ पे बोल दी है, दिस इन टर्न विल हेल्प अस मार्क द एनोड एंड कैथोड।
आप एनोड एंड कैथोड पहचान जाओगे ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. राइट, ये क्या था बच्चों हमारा, यहाँ पे हमारा कैथोड था, यहाँ पे हमारा कहीं लिखा है मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे हमारा कैथोड था और यहाँ पे एनोड था. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बात लिखी है बहुत ध्यान समझना. मैं आप सोच कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, भाई दिमाग है तो दिमाग में आएगी ये बात. कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि मैम आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, करंट की डायरेक्शन मैम कुछ ऐसी है. लेकिन अभी तो आप पकड़ी गई आपकी चोरी, आपने बोला ये कैथोड है वो एनोड है, तो हमने तो देखा करंट की जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड है. राइट, लेकिन यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, दिस इन टर्न विल हेल्प अस मार्क द एनोड एंड द कैथोड इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एनोड टू कैथोड, और आपने बोल दिया यहाँ पे कैथोड टू एनोड फ्लो, है ना. फैक्ट दैट द बच्चों इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड ही तो जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड ही तो जा रहे हैं. चार्ज यानी कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स तो एनोड टू कैथोड है, लेकिन जो मैंने मेंशन किया था कि कैथोड टू एनोड वो था आपका चार्ज ना कि इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जिसने जिसने मेरी गलती पकड़ी वो खुद गलत था. नाउ हेंस प्रूफ वुमेन्स आर ऑलवेज राइट, कोई लड़की नहीं गलत ना सोच लियो. ओके, तो आई ऐसी बात आप समझ गए होगे ना कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. याद किया था कॉपर वाले में कैथोड हो रहा था, याद रखना. अच्छा, ये कहानी तो हमने मैम आपने बता दी, यार आप भी बड़ी मैम शातिर टाइप की इंसान हो, ये तो आपने पहले ही बता दी थी, यही आपने फिर से बता दी. नहीं, यहां पे आपको क्या करना है, किसी भी एक को हटा के वहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देना है. उसका मतलब आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से जान जाओगे. अभी आपको बस इतना जानना है कि कोई भी एक वेसल एक सेल जहां पे हो रहा था, इनमें से मान लो मैंने इस वाले को उठाया और यहां ले आए, बाकी सबसे हमें मतलब नहीं है, या फिर उसको उठाया और इधर ले आए मेजर करने के लिए, वो बेसिकली मेजर करता है. ठीक है, वो पोटेंशियल वगैरह. ठीक है, ये स्लाइड आप समझ गए होंगे अच्छे से. नेक्स्ट क्या, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ इस तरीके से काम होता था. मैम हमको याद है कि इसी तरीके से हमने पढ़ा था, आई गेस. ओके, हाँ यही हमने समझा था मैम कि जब आपने वो सारी बातें बताई थी, तो अगर हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, यानी कि एक टाइम बाद ये रॉड थोड़ी सी मैम पतली हो जाएगी, भाई उसके इलेक्ट्रॉन्स तो जाते जा रहे हैं. और अगर हम इसकी बात करें मैम, ये यहाँ पे कॉपर आके चिपक रहा है रॉड में, तो क्या रॉड बड़ी नहीं होगी? कॉपर आके चिपक रहा है तो रॉड तो बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे वो रॉड बड़ी हो रही है, वो रॉड में कुछ जमता जा रहा है, वो क्या होगा बेसिकली कॉपर के आयंस होंगे, कॉपर जाके वहां लगते जा रहे हैं. तो उसका डायग्राम क्या कुछ ऐसा कह सकते हैं हम? देखो ये वाला डायग्राम तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से मैम, ये तो कॉपर वाला डायग्राम है जो आपने बनाया है, सीयू वाला, चलो सीयू लिख देते हैं. लेकिन ये क्या है, ये तो जिंक वाला नहीं है. हाँ, तो ये सच में जिंक वाला नहीं है बच्चों, ये एच टू वाला है. मैंने आपको बताया ना, एक को उठा के लिखना है, किसी एक को उठाया हमने, कॉपर वाले को यहाँ पे उठाया. यहाँ पे क्या लगा, ये है आपका SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली प्लैटिनम की फॉइल डली होती है, यहाँ पे प्लैटिनम की प्लेट लगी होती है. ठीक है, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड रॉड होती है और प्लैटिनम की प्लेट होती है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, सब सिमिलर बातें हैं. और उसके बाद यहाँ पे एक काम हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और यहाँ पे दूसरे से कनेक्ट करके उसको मेजर कर रहे होते हैं हम. ठीक है, आप सोच रहे अरे मैम तो आपने सभी बता दिया. ओके, नहीं सब नहीं है, थोड़ा इसके आगे भी कहानी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉपर की रॉड थोड़ी सी थिक होती जा रही है. राइट, कॉपर की रॉड थिक होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो सीयू थे ना, सीयू के जो आयन्स थे, सीयू टू प्लस क्यों बच्चों, बेसिक बातें याद रखना, CuSO4 का सॉल्यूशन है तो सीयू पे प्लस टू चार्ज होगा, SO4 पे क्योंकि माइनस टू चार्ज होता है, तो हमने बोला सीयू के आयन्स. ठीक है, SO4 भी होगा यहाँ पे, SO4 माइनस टू. लेकिन बेसिकली काम क्या हो रहा होगा, काम कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि ये इसमें आके स्टिक कर रहे थे और ये रॉड हमारी बड़ी हो गई. तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये देखो ये वाली रॉड का पोर्शन थिक हो गया है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसे हो गई थी ऐसे, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आके लग गया, एक्स्ट्रा क्या, कॉपर के आयंस. बात समझ में आ रही है आपको अभी तक, क्या हम लोग समझ रहे हैं मेजर कैसे करना है? आप सोच रहे हो कि मैम पूरे में तो हमें समझ नहीं आया, टॉपिक का मतलब तो था मेजर, लेकिन मेजर तो हम अभी तक किए नहीं. ये जो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है मेजर करने के लिए. ठीक है, आगे वाली स्लाइड में समझो, यहां पे देखो क्या हो रहा है. ई ऑफ सेल
ई ऑफ सेल, यानी कि बेसिकली ई, बेटा यहाँ पे ई याद रखना, ई इज नथिंग बट, ई इज नथिंग बट पोटेंशियल. एंड इफ देयर इज रिटन ई नॉट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ई आपका है पोटेंशियल एंड ई नॉट है स्टैंडर्ड पोटेंशियल. और स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है मैम कि 1 atm प्रेशर, 1 mole कंसेंट्रेशन एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. राइट, ठीक है, आई गेस यहां तक आप लोग बात समझ गए होगे. ठीक है, इन केस ऑफ डेनियल सेल, हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ चुके हैं, कॉपर जिंक का सेल. राइट, जिंक कॉपर का सेल. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, हेलो, हाँ श्रेयांश, ओके, सॉरी सॉरी, एट एनोड. अब देखो, एक एनोड वाला पोर्शन होता है, एक कैथोड वाला पोर्शन होता है. सिंपल, एनोड में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. मैम पाओ वाली बात आपने बताई थी हमको, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैम ये भी आपने बात बताई थी. तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. आपको क्या इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि काफी बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है कि मैम ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगा है. ये पता है बारीकियों वाली चीजें जो होती है, कई बच्चे होते हैं जैसे उसमें जिनका ना कह सकते हैं हम लोग का बेस, यार कोई कोई इसमें दो राह नहीं है कि आप जब 12th में आते हो तो आपका बेस केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा वीक होता है, किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का थोड़ा थोड़ा होता है. और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा होता है कि अरे यार 8th तक तो बेस्ट थी, 9th तक तो बेस्ट थी, 10th भी ठीक थी, चलो 11th में तो यार बोरिंग, यार 9th 10th में भी कुछ लोगों को तो बहुत बोरिंग लगती है. एंड मैं उनमें से एक स्टूडेंट हुआ करती थी अपने टाइम पे जब 9th 10th की बात थी. लेकिन बेस को क्लियर करते चलो, आपको अगर पता है कोई भी चीज बोरिंग कब लगती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ यार मुझे कंप्यूटर बोरिंग लगती है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट बोरिंग लगता है. क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक ही उसमें तेज नहीं था. जब मैंने मैंने 10th में कंप्यूटर नहीं ली थी, मैंने 11th 12th में ले ली थी कंप्यूटर. 10th में मैंने कंप्यूटर नहीं ली थी और 11th 12th मैंने कंप्यूटर ले ली, और मेरा बेस बहुत वीक था उसमें. मुझे लगता था यार मैं इसमें कहीं फेल ना हो जाऊँ. क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक कम था. इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंप्यूटर में कमजोर हूं, मैंने कंप्यूटर मुझे नहीं आती या मुझे कभी नहीं आ सकती. यार मैंने कभी उसकी थोड़ा बेसिक वाला इतना ध्यान ही नहीं दिया कभी, और मैंने 12th में जाके ले लिया, तो प्रोग्रामिंग वगैरह मुझे इतने अच्छे से नहीं आ पाती थी उस टाइम पे. तो ऐसा होता था, खैर मार्क्स तो अच्छे आ गए थे समहाउ, लेकिन हाँ ये दिक्कत आ गई थी. तो आपके ये जो अगर कोई भी सब्जेक्ट को आप सोच रहे हो ना कमजोर है, वो सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग से, आप उस पर इंटरेस्ट नहीं जगा पाए स्टार्टिंग से ही. इंटरेस्ट नहीं आया, वो किसी सब्जेक्ट में किसी को नहीं आता. जिस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट जगाना होता है वो इंसान जगा देता है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट. तो अगर आपको इफ इन केस आपको लगता है कि मैम हमको ये बात नहीं समझ आ रही, वो बात आप बेसिक से जानते हुए चलो. आप 9th 10th की कभी भी बुक उठाओ, ये सब चीजें आती हैं. कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, IIT JEE Mains. कई लोग होते हैं डरते हैं कि बहुत टफ होता है यार, कोई निकाल ही नहीं सकता. नहीं, बस जो ये सोचे कि हम एक महीने में निकाल लेंगे वो नहीं निकाल सकता शायद, बस ये होता है थोड़ा सा. ऐसा नहीं कि हमने तो यार निकाल ही नहीं पाना, इतने बच्चे, इतना ये, इतना वो, आजकल का कंपटीशन. बेटा जो बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो एकदम नींव से पकड़ के चलते हैं चीज़ों को. नींव से पकड़ के चलना मतलब आप भले ही 10th की मिस कर चुके हो, आप 11th में आ गए, लेकिन फिर आप 10th की जान रहे हो तब भी चीज़ें हल्की हल्की. पढ़ा लो यार, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लो, ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है. मैंने 10th किया था, उसके बाद मुझे भी 10th में थोड़ा थोड़ा लगता था केमिस्ट्री वीक है क्या, वीक है क्या. मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. ऐसा नहीं कि मैं जज कर रही थी कि अरे यार सामने का फ्यूचर बिगाड़ दे, नहीं ऐसा भी नहीं है. लेकिन ऐसा होता है आप जब किसी को पढ़ाते हो ना तो आपको भी वो चीज़ें रियलाइज होती है, अच्छा यहाँ पे ये गलती करी थी, अच्छा अच्छा यहाँ पे ये होता है. तो दिस इज हाउ यू इंक्रीज समथिंग योर इंटरेस्ट ऑन सम एनी ऑफ द सब्जेक्ट. किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अपना इंटरेस्ट इस तरीके से कर सकते हो. सो इन शॉर्ट मेरा मतलब केवल ये, आपको कभी भी लगा कर अरे ये चीज नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही, ऑल दो मैं कभी भी किसी भी वीडियो में ऐसी आपने कोई वीडियो देखी नहीं होगी कि मैंने कोई वर्ड बोल दिया हो मैंने उसका मतलब नहीं बताया हो. हमेशा इवन इफ इट इज वेरी 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 अ काइंड ऑफ इजी वर्ड कि अरे यार ये तो वर्ड इन द सेंस SHE है, मान लो मुझे पता है मुझे आगे पढ़ाना है, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको. ठीक है,
या मुझे पता है कि SHE मैंने पहले बताया है तो मैं थोड़ा यहाँ पे भी आपको बता दूंगी वो चीज, या मुझे पता है टेंथ में आपने बढ़ा तो भी बता देते हैं। ये सब किस लिए, ताकि आप बेसिक से समझो। अब ये हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हो कि अरे यार क्या बेसिक सी बात है मैम दोबारा क्यों, लेकिन समझ लो, क्योंकि कई अगर जान रहे हैं तो कई नहीं भी जान रहे होंगे। ये मतलब क्या है, कुछ लोग लिखते हैं इसको इस तरीके से, ये बच्चों ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं Zn माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट Zn टू प्लस, ये भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ ले गए, तो ये बात तो बहुत छोटी थी, बहुत ही मतलब एकदम माइन्यूट सी बात, कुछ लोग तो काइंड ऑफ हंस रहे होंगे कि अरे यार ये कोई बताने वाली बात है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम माइनस टू इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो रहे, उसमें जेड एन टू प्लस है जेड एन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव साइन और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये जेड एन बन रहा है जेड एन टू प्लस। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, बेसिकली ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे और ये बना रहा था जेड एन टू प्लस, और हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था जीरो, यहाँ पे कितना था टू प्लस, ये भी याद होगा, ये रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन आपने क्लास 11th में समझा होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो एलिमेंटल फॉर्म में है तो जीरो, और यहाँ पे प्लस टू, जो भी चार्ज होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज इंक्रीज किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, चार्ज डिक्रीज कर रहा होता तो रिडक्शन हो रहा होता, ठीक है। चलो ये बात भी आप समझ गए होगे अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये एनोड की रिएक्शन बच्चों आप समझिए, कैथोड पे आते हैं, कैथोड पे आपको पता है हमने कैथोड पे कॉपर रखा है, कॉपर कैथोड ऐसे ही याद किया था, कॉपर कैथोड CC कॉपर कैथोड, कॉपर में क्या हो रहा है रिडक्शन बच्चों में पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेसिकली कॉपर Cu, अब हमें पता है टू प्लस, Cu टू प्लस ही तो था यहाँ पे, Cu टू प्लस ही तो यहाँ पे आके जोड़ रहा था हर जगह, Cu टू प्लस आके यहाँ पे चिपक जा रहा था, Cu क्यों नहीं ले रहे, कॉपर के आयन्स थे CuSO4, Cu टू प्लस के फॉर्म में था यहाँ पे चिपक रहा था जाके, ठीक है। तो Cu टू प्लस हमने बोला ये Cu टू प्लस था, अब Cu टू प्लस क्या कर रहा था रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और वो क्या बन गया Cu, इधर यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस टू ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो फिर मैं बता देती हूँ, और ऐसे भी लिख सकते हो Cu टू प्लस गिव्स आउट Cu माइनस टू इलेक्ट्रॉन, इधर यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, बोथ आर करेक्ट, क्लियर ये बात। एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, हमने ये जान लिया, आगे चलते हैं जल्दी से, आगे क्या बता रहा है, द नेट रिएक्शन ऑफ दिस, द नेट रिएक्शन ऑफ दिस सेल इज द सम ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन, इस पूरी की जो नेट रिएक्शन होती है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक साइड रिडक्शन एक साइड ऑक्सीडेशन मिल जाता है, साइमल्टेनियसली अकर कर रहा होता है भाई, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है किसी का रिडक्शन हो रहा होता है, यही हमारा रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो भाई उसने बोला कि इन दोनों को सम कर देंगे हम, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर देंगे, तो देखो Zn प्लस Cu2 प्लस, ये क्या किया हमने बेटा, हाफ हाफ सेल को ले लिया, मतलब RHS एक तरफ कर दिया LHS एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन गया हमारा Zn S मतलब सॉलिड फॉर्म, Cu2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में था Zn2 प्लस Cu, ठीक। ये किसकी बात चल रही है, ये जिंक कॉपर की बात चल रही है, डेनियल सेल का भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा EMF ऑफ द सेल, अच्छा ये बात याद होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ये सब बातें पिछले वीडियो में डिस्कस हुई हैं। E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड क्या है, ये बच्चों आपने हमें बताया था ना कि एक आपका कैथोड होता है एक एनोड होता है, तो कैथोड वाले से एनोड वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप एनोड माइनस कैथोड भी लिख सकते हो, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना, इसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे, इसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे, ठीक है। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रखते थे, ये सब हम पिछले वीडियो में सारी एक एक बात क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ये 0.3 वोल्ट जो है ना, ये आपका कॉपर का दिया हुआ है, कैथोड वाली रिएक्शन में कॉपर, ये सब आपको गिवन है, ये सारी एक एक बात हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे हैं ना, कॉपर का गिवन है मान लो ई नॉट, फिर ये किसका गिवन होगा, ये माइनस में जो गिवन है ये किसका गिवन है बच्चों, ये है आपका एनोड का, यानी कि जिंक का, यहां पे बात करें तो जिंक का, और इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इन द सेंस क्या, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में से माइनस कर दो एनोड को, कैथोड में से माइनस कर दो एनोड को, और एनोड में यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, आप हर जगह ई नॉट भी रख सकते हो, हमने अभी तक स्टैंडर्ड वाली बात करी है केवल, तो ये पे क्या हो रहा होगा, कैथोड में कॉपर वाला था उसको उठा के रख दी, उसकी वैल्यू वैल्यूज गिवन है,
वैल्यूज में कंफ्यूज मत हो, ये गिवन ये निकाली गई है पहले से, और ये माइनस का 0.7 से कॉन्सेप्ट को समझो, वैल्यूज कहाँ से आई क्यों आई मत समझो, ये वैल्यूज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे अभी, हर एक चीज आगे जाके पढ़ोगे सब कुछ समझ में धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो एक एक वर्ड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको तभी समझ में आता है। ठीक है, आप सोचो एक स्लाइड पढ़ ली हमने, एक वीडियो पढ़ लिया, दूसरा वीडियो पढ़ लिया, हम आगे का बता देंगे, या पीछे का तो नहीं हो सकता। ये जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको और ज्यादा पता चलता जाएगा, अच्छा वहां पे ये इसलिए हो रहा था, यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है, तो ये सब बातें याद मतलब बेसिक होती है। नाउ तो ये हमने माइनस किया और हमें एक वैल्यू मिल गई, ये क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा मोटो था, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ सेल। ठीक है, कई बार एक बात और मेरी याद रखो, जो एस एच ई होता है ना बच्चों, वो जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम इस वाले सेल की बात करें, इस वाले में जो हमने एक साइड एस एच ई को रखा था एंड सेकेंड साइड, ये जीरो क्यों होता है पता कर लेना बाद में आगे वाले में, तो ये एस एच ई होता है, दूसरे साइड हमने कॉपर लिया हुआ था, हमें पता है कॉपर कैथोड में हो रहा था और ये एनोड में हो रहा था, तो इसको जीरो हम बोलते हैं, इसका ई जो होता है वो इक्वल होता है जीरो के। तो अगर इस वाले सेल की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड की वैल्यू 0.34 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने एक बता दिया आपको, 0.34 माइनस जीरो, तो यहां से आंसर आएगा 0.34। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। ये कब होगा, जब एस एच ई के साथ आप करोगे। ठीक है, नाउ मेजर्ड ई एम एफ ऑफ कॉपर एंड दैट ऑफ जिंक इज दिस एंड दिस, तो यहां से हमको पता चल गया ये हमारा जिंक है और ये हमारा कॉपर है। देखो ये कॉपर ये जिंक, हमें कैसे पता चला, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, नेगेटिव वाला किस में होता है, एनोड में, तो हमने उसको मान लिया ये हमारा एनोड में, और हमें पता है एनोड में हमारा जिंक है, हमने जिंक को एनोड में रखा था, तो हमें देखो इससे पता चल गया कि जिंक क्या है और मतलब एनोड कौन सा वाला है और कैथोड कौन सा वाला है, ये हमारा कैथोड हो गया बेसिकली, जो ये वैल्यू हो गई कैथोड, जिसमें हमने कॉपर रखा हुआ था। बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, छोटी सी बात थी, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था आज के लिए, ये छोटी छोटी बातें समझोगे आप, तो आप जब कल एस एच ई पढ़ोगे ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें आप फिर पता कर लोगे कि अच्छा एस एच ई ये होता है, फिर इसमें आप ये रखता है, तो ये वाली बातें आपको उसके लिए बहुत ज्यादा जाननी जरूरी थी। ठीक है, सो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना जान लेंगे एस एच ई, देन उसके बाद आपको तो अभी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो नर्स इक्वेशन वगैरह एवरी थिंग विल बी गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड देन विल बी सेंडेड टू यू। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।